हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स लड्डू। इन लड्डुओं में ना तो हम लोग गुड़ का यूज़ करेंगे, ना चीनी का, और ना ही इसमें हम लोग घी का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हम लोग लेने वाले हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम पिन खजूर लिए हैं विद सीड है। अभी हम लोग इनको कट लगाकर इनके सीड निकाल देंगे। इसके साथ ही 20 से 25 हम लोगों ने साबुत वाले काजू लिए हैं, थोड़ी सी हम लोगों ने किशमिश ली है, थोड़े लिए हैं पिस्ते, थोड़े लिए हैं हम लोगों ने अखरोट जो कि मैंने फोड़कर इनको निकाल लिया है, एक चम्मच खसखस दाना लिया है, थोड़े से लिए हैं बादाम। ये जो हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ये अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी ला सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिन खजूर के सीड निकालेंगे और सभी ड्राई फ्रूट्स को, किशमिश को छोड़कर और खसखस दाना को छोड़कर, बाकी चारों चीज़ों को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं। लीजिए, सभी ड्राई फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं, काजू, बादाम, अखरोट और जो पिन खजूर लिए थे उसके हम लोगों ने सीड निकाल दिए हैं। अब हम लोग गैस पर चढ़ाएंगे कढ़ाई और उस पर हम लोग जो हम लोगों ने ये ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं इनको हम लोग सेकेंगे। लीजिए, गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को स्लो फ्लेम पर ऑन कर लिया है। अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हम लोगों ने बादाम कट करके रखी है वो सबसे पहले, और उसको स्लो फ्लेम पर एक मिनट हम लोग इसको रोस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें दूसरी चीज डालेंगे। तो इसको बराबर चलाते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग सारी चीज एक एक करके भूनेंगे। जब तक ये भून रहे हैं तब तक हम लोग जो हमने पिन खजूर लिए हैं सीड निकाल कर उनको मिक्सी के जार में डालकर हम लोग इनको पीस लेते हैं। एक मिनट हो गया है लगभग। अब हम लोग इसमें जो हमने अखरोट कटिंग रखी है वो डाल देंगे, उसको भी चलाएंगे और इसके साथ हम लोग काजू डालेंगे और ये पिस्ते की कटिंग है वो भी हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको 5 से 7 मिनट स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम लोग इसको रोस्ट करेंगे। अब हम लोग इसमें डाल देंगे एक चम्मच मस्कमेलन सीड। ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है, हेल्दी हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक चम्मच हम लोग बड़ी चम्मच से एक चम्मच डाल देंगे पम्पकिन सीड। अब इनको भी हम लोग लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। सर्दियों के लिए ये लड्डू बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं, इनको बनाकर रखिए। डेली एक लड्डू लेने से आपके शरीर में दिन भर एनर्जी रहेगी और इजी आप लोगों की जो सर्दियां हैं वो बहुत अच्छे से निकल जाएंगी। तरह से हम लोग अभी इनको 5 से 7 मिनट लगातार चलाते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम लोगों को जब तक भूनना है तब तक स्लो ही रखना है। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम लोगों ने जो एक चम्मच खसखस दाना लिया था वो भी हम लोग इसमें डाल देंगे जिससे ये भी अच्छे से भुन जाएगा। और अब हम लोग इसको 2 मिनट, लगभग 2 मिनट, और अभी हम लोग इसको सेकेंगे। जितना अच्छा रोस्ट होगा उतने ही हम लोगों के जो लड्डू हैं वो टेस्ट में अच्छे लगेंगे, इसलिए बहुत जल्दबाजी हम लोगों को नहीं करनी है, बस स्लो फ्लेम पर इसको हम लोगों को रोस्ट करना है। लीजिए, ये हम लोगों के रोस्ट हो गए हैं। जो हम लोगों ने पम्पकिन सीड और मस्कमेलन सीड डाले हैं
इनके फटकने की आवाज आने लगी है, एकदम फूल कर रेडी हो गए हैं बुनकर। अब हम लोग गैस को करेंगे बंद और इनको हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम लोग पिंड खजूर जार में डाल के रखे हैं हम लोगों ने, उनको हम लोग मिक्सी में एक बार चला लेते हैं जिससे उसको वो सॉफ्ट हो जाए और पीस कर रेडी हो जाए। तो चलिए हम लोग उनको पीसते हैं। जी, पिंड खजूर भी हम लोगों ने जार में डालकर पीस लिया है। अब इनको हम लोग एक थाली में निकालेंगे और 10 से 12 हरी इलायची को खलबट्टे में डालकर हम लोग कूट लेते हैं। अब हम लोग इसमें जो हम लोगों ने किशमिश ली थी वो हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसको निकाल लेंगे हम लोग एक थाली में। इसको थाली में निकालने से पहले हम लोग इसी में इन पिंड खजूर के जो हमने पीस कर रेडी किया है उसको यहीं अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे आंच पर अगर ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा हम लोग इसको गरम कर लेंगे। तो यहीं इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। गैस को स्लो फ्लेम पर ऑन कर लेते हैं। लीजिए, हमने डाल दिया है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको हम लोग मिक्स करेंगे। ये भी बहुत टाइट है, थोड़ा सा हीट लगेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस स्टेज पर 1 से 2 चम्मच घी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर घी का यूज नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग चलाते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे। लीजिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम लोग इसको एक प्लेट में निकालेंगे और अभी ये गर्म है, इसको 10-15 मिनट हम लोग ठंडा करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके लड्डू रेडी करेंगे। लीजिए, अब हम लोगों ने एक थाली ले ली है और इसको कढ़ाई से हम लोग थाली में शिफ्ट कर लेंगे। और जो इलायची पाउडर हम लोगों ने कूट कर रेडी करके रखा है वो भी हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। अब इलायची पाउडर डाला है तो एक बार यदि नॉर्मल हो गया हो तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब इसको हम लोग मिला देते हैं, अब ये उतना गर्म नहीं है, है लेकिन हल्का गर्म है। लीजिए, इलायची पाउडर भी मिक्स हो गया। अब हम लोग हथेलियों पे लगा लेंगे थोड़ा सा घी, जिससे ये हम लोगों के बनाते समय लड्डू चिपकेंगे नहीं और लड्डू में भी साइन आएगी, लड्डू हम लोगों के चमकदार बनेंगे। तो थोड़ा सा घी, बिल्कुल जरा सा, इस तरह से हम लोग हथेलियों पर लगा लेंगे। लड्डुओं का साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आप बनाना पसंद करें। मैं यहाँ पर छोटे ही लूँगी, जितना एक बार में। तो इस तरह से हम एक बार में 2 लड्डू रेडी कर सकते हैं, फटाफट फटाफट बन जाएंगे, ना ही कोई चीनी, गुड़, घी कुछ भी नहीं लगा और झटपट हम लोगों के ये हेल्दी, टेस्टी, स्फूर्तिदायक लड्डू हम लोगों के बनकर रेडी हो रहे हैं। इसी तरह अब हम बाकी के लड्डू भी रेडी कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, इंस्टेंट रेडी होने वाले लड्डू हैं। आप भी इन सर्दियों के सीजन में बनाइए और स्टोर करके रखिए, अपनी फैमिली को खिलाइए, आप भी खाइए। आशा करती हूँ आज के ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी आप सभी को पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन को करिए प्रेस। थैंक यू।